जा रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है, पेंटामी हाईवे के नीचे 5 किलो का आईईडी बम बरामद हुआ है। आईईडी को जवानों ने मौके पर ही ब्लास्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर आईईडी लगाया गया था, जिसमें नक्सलियों ने नई तकनीक उपयोग कर प्रेशर आईईडी लगाया था। सीआरपीएफ की 185 बटालियन की बीडीएस टीम मौके पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ को हैदराबाद से जोड़ने वाले हाईवे में पेंटा के पास ये आईईडी मिला है, जिसमें जवानों द्वारा इस बम को डिफ्यूज किया गया है या नष्ट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को चिन्हित करने के लिए, उन्हें निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा ये बम लगाया गया था, लेकिन गनीमत रही कि 185वीं बटालियन बीडीएस ने इसे मौके पर पहुंचकर नष्ट कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां आईईडी को मौके पर ही नष्ट किया गया है। सुरक्षा बल की टीम ने, यानी 185 बटालियन बीडीएस की टीम ने, जवानों की टीम ने इस बम को डिफ्यूज किया है। 5 किलो का ये आईईडी बम बताया जा रहा है, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया है सुरक्षा बलों की टीम द्वारा। और ये सुरक्षा बलों को ही नुकसान पहुंचाने के लिहाज से नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया था। तो पेंटा के हाईवे पर ये बम बरामद हुआ है, जहां मुख्य मार्ग ये वो बताया जा रहा है, जहां पर छत्तीसगढ़ को हैदराबाद से जोड़ने वाला जो हाईवे है पेंटा, उसके पास ही ये आईईडी बम बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार शिवा यादव फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शिवा, क्या और जानकारी मिल पा रही है? कोटा जो नेशनल हाईवे है, उसके किनारे नक्सलियों ने आईडी लगा रखा था, कम से कम 5 किलो का आईडी बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पे सीसी सड़क के बाजू में लगाने का मंशा ये हो सकता है नक्सलियों की जो आरोपी पार्टी होती है, जो सर्चिंग पार्टी होती है, उनको नुकसान पहुंचाना। जी, इसके अलावा जवानों द्वारा क्या जानकारी और साझा की गई है, क्या मीडिया से कोई जानकारी साझा की गई है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है नक्सलियों का क्षेत्र है, जो अभी फोर्स लगातार उनके ऊपर दबाव बनाई हुई है, कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए नक्सली कहीं ना कहीं आईडी लगा रहे हैं। और सुरक्षा बलों की सफलता मानी जाएगी कि समय रहते ही उस आईडी का पता लगाया और साथ ही उसे खोज कर डिस्फ्यूज किया। जी, लगभग कितने सदस्य टीम सुरक्षा बलों की इस वक्त तैनात थी? जी, मैं आपको बता दूं, कम से कम 100 से 150 जवान थे, जो कि पूरे एरिया को घेर कर बीच में सर्चिंग कर रहे थे, और साथ ही साथ 150 बटालियन की बीडीएस टीम थी, जिसने यह आईडी सर्च किया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।